उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग भले ही चारधाम यात्रा की तैयारियों के लाख दावे कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर नजर आ रही है। यात्रा मार्ग पर पिछले 8 दिनों में 20 श्रद्धालुओं की मौत ये बताने के लिए काफी है, लेकिन यहाँ इन मौतों के पीछे सिर्फ चारधाम में फैली अव्यवस्थाएं ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि कुछ गलतियां चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की भी हैं, जो उनके जीवन पर भारी पड़ रही हैं। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई थी। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले हुए 8 दिन हो चुके हैं। इन 8 दिनों में 14 तीर्थयात्रियों की इन दोनों धामों में मौत हो चुकी है, जिसमें से 11 तीर्थयात्रियों ने सिर्फ यमुनोत्री धाम में ही दम तोड़ा है, जबकि 3 की मौत गंगोत्री में हुई है। इन दोनों धामों के अलावा केदारनाथ धाम में भी 5 दिनों के अंदर 5 यात्रियों की जान गई है। तीनों धामों में अभी तक कुल 20 तीर्थयात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसमें से एक केदारनाथ को छोड़ दिया जाए तो सभी मौतें बीमारियों के कारण हुई है। ऐसे में चारधाम यात्रा मार्ग पर सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस मामले पर सरकार को खूब घेरा है। सरकार के तमाम दावे, जिसमें उन्होंने कहा था कि चारधाम यात्रा बहुत सक्सेसफुल है, और जब मैं बीच में एक दिन के लिए यहाँ आया था, मैंने आप सबसे रूबरू होकर इस बात को कहा था कि यात्रा के लिए जो दावे सरकार कर रहे हैं पूरी तरीके से खोखले हैं। मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव है, जो अस्पताल है उनमें डॉक्टर नहीं है, कहीं वो नंबर नहीं लिखे गए हैं कि अगर इमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कोई कार्डियक अटैक हो जाए, तो उसके लिए कोई कहाँ वो लेके जाएंगे अपने पेशेंट्स को, इसकी जानकारी किसी को नहीं उपलब्ध है, तो वो आज साबित हो गया। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों की मौत का कारण वहां फैली अव्यवस्थाओं को बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों का मानना है कि इन मौतों के पीछे का बड़ा कारण श्रद्धालुओं द्वारा बरती जा रही लापरवाही भी है। श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आने से पहले कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी जान पर बना रही है। इसी को लेकर केदारनाथ धाम में तैनात डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज की सुने। कि सुनने में न्यूज में आ रहा कि भाई चारधाम यात्रा में डेथ हो रही है, लेकिन जो भी डेथ हो रही है उसके लिए मैं कह सकता हूँ इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो यात्री हैं वो भी जिम्मेवार हैं। यात्री जो है ऊपर जो भी केदारनाथ में आ रहे हैं बिना तैयारी के आ रहे हैं, हाफ कपड़ों में आ रहे हैं, अपना इवन फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं लेके आ रहे, और जब किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड की यात्रा में आना होता है तो पहले तैयारी करके आना होता है। आपकी तैयारी क्या होती है कि पहले आपको अच्छे तरीके से अपने कपड़ों के साथ, अपनी मेडिसिन के साथ, अपने फूड के साथ, अपने एसेंशियल्स जरूरी सामान के साथ मूवमेंट करनी होती है, और आपको धीरे धीरे मूवमेंट करनी होती है। मतलब एक्मोलेटाइजेशन होता है कि आपको पर्टिकुलर पहले आपको 6000 फीट की हाइट पे पहुंचना है, वहाँ रेस्ट करना है, फिर 8000 पे पहुंचना है, फिर रेस्ट करना है, फिर 10000 फीट पे पहुंचना है, फिर रेस्ट करना है एक दिन का, फिर आपको 12000 फीट की हाइट पे पहुंचना है। यहाँ पर जो है यात्री एकदम डायरेक्ट हेली से आता है और सीधा 12000 फीट पे उतर जाता है, उसको प्रॉब्लम होना तो बिल्कुल लाजमी है। और ऐसे में अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई आता है तो हमारे पास में मोस्टली जो होता है यात्रा के दौरान ब्रॉड डेड ही आ रहे हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर के किसी की भी डेथ नहीं हुई है। चारधाम में 20 तीर्थयात्रियों की मौत होने के बाद सरकार अब थोड़ी नींद से बाहर आई है। यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर खासकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तैनात करने को कहा गया है, ताकि यात्रियों को समय पर इलाज मिल सके। चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री आ रहे हैं, और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम वहाँ किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने लगभग 200 से ज़्यादा डॉक्टरों की वहाँ नियुक्तियाँ की है, और अब कल ही हमने निर्णय यह किया है कि फाटा में भी, गुप्त काशी में भी, यमुनोत्री की रोड पे भी और गंगोत्री में भी हम 108 जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो कि एडवांस सपोर्ट सिस्टम है, जिनमें कि हर प्रकार की जाँचें की जा सकती हैं, वो दो दो गाड़ियाँ हमने वहाँ और भेजी हैं। और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं भी कोई दिक्कत वहाँ आने वाली नहीं। बहरहाल अगर आप भी चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें।
ताकि आपको किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि आपने डॉक्टरों की सलाह को नजरअंदाज किया और लापरवाही बरती तो ये गलती आपके जीवन पर भी भारी पड़ सकती है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से किरण कान शर्मा की रिपोर्ट।